गुड मॉर्निंग माई ऑफिसर्स, माई एजेंट्स, माई टीचर्स, माई कलीग्स एंड माई लवली लवली छोटे उस्ताद, मेरे छोटे आर्टिस्ट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कभी मिले थे? दिवाली से पहले, बराबर। अभी दिवाली की छुट्टियाँ हम लोग ने बहुत इन्जॉय की है ना? दिवाली की छुट्टियाँ इन्जॉय की है, लाड़ू चिवड़ा पेड़ा खाया है, मस्त हट्टे कट्टे होके वापस पढ़ाई के लिए हाजिर हो गए हैं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ यहाँ पे आई हूँ। मेरा नाम है भारती राजेंद्र पिंपले फ्रॉम कामराज नगर हिंदी स्कूल। आई एम वर्किंग एज अ ड्राइंग टीचर। आई होप सो यू रिमेंबर मी। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, वो है एक फोक आर्ट, एक आदिवासी चित्रकला। बहुत फेमस है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, पर बहुत यूनिक है। आज मैं आपको उस चित्रकला के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि आप कोई भी कला सीखे, आप कोई भी पेंटिंग सीखे, खाली पेंटिंग ही नहीं, आप कोई भी नई चीज़ सीखे, तो वो चीज़ कहाँ से आई है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से है, वो चीज़ की स्पेशलिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे पीछे यहाँ पे देखते होंगे, देखो यहाँ पे मैंने कुछ पेंटिंग्स किए हैं, उसके सैम्पल्स लगाए हैं। आई होप सो यू कैन एबल टू सी इट। और वैसे तो मैं आपको अभी जब भी डेमोन्स्ट्रेशन चालू होगा तो उस डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सिंप्लीफाई मेथड से मैं आपको सिंपल वे से बेसिक फिगर्स मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि आप ये कला, ये फोक आर्ट पसंद करोगे। और इस फोक आर्ट का नाम है वारली चित्रकला। आप में से बहुत लोगों ने ये चित्रकला देखी होगी, की भी होगी, बराबर ना? पर आपको इसके बारे में डिटेल्स पता है क्या? ये कहाँ से आई, कहाँ कहाँ होती है, कौन करता है, कैसे होती है, ये चित्रकला करने के पीछे का रीज़न क्या है, इस चित्रकला के विषय क्या क्या है, इसमें कौन से रंग इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब इसके डिटेल्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और ये डिटेल्स जब तक आप जानेंगे नहीं, तभी तक मुझे ऐसे लगता है कि आप वो चित्रकला या वो कला सीखे नहीं हो। जब भी हम लोग वो डिटेल्स समझेंगे तो अपने दिमाग में जाएगा और हमें वो चीज़ प्रॉपरली पता रहेगी, याद रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। और इंडियन आर्ट इतना बेहतरीन और इतना सुंदर है, इतनी उसमें सुंदरता है इंडियन आर्ट्स में, कि हर प्रांत का अलग अलग एक, हर प्रांत का एक कोई तो भी स्पेशल कुछ तो होता है हमेशा। वैसे इंडिया में भी है, राजस्थान की राजस्थानी आर्ट,
बंगाल की है, उसके बाद मधुबनी पेंटिंग से बिहार की। वैसे ही अलग 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 देशों में जैसे अलग अलग कला होती है, अलग अलग चित्रकला होती है, वैसे ही अपने भारत देश में भी बहुत अलग 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 प्रकार के चित्रकला के प्रकार है और वो जानना हमारा हक है। तो इसमें से ही आज हम एक कला सीखेंगे जो अपने बहुत नज़दीक है, अपने आस पड़ोस के गांव में, अपने जहाँ शायद से उसके आसपास में कोई रहता भी होगा। तो आज हम सीखेंगे एक नई कला, महाराष्ट्र की कला, और नियर अबाउट गुजरात, वहाँ की कला वारली पेंटिंग, एक ट्राइब पेंटिंग। ओके, तो डेमोंस्ट्रेशन करने से पहले मैं इस कला के बारे में आपको डिटेल्स बताती हूँ, वो आप डिटेल्स अच्छे से मन से देखिए और सीखिए। वारली जनजाति भारत की एक जनजाति में से एक है। वह अधिकांश महाराष्ट्र राज्य के धुले और नाशिक जिला तथा ठाणे, डहाणू, तलासरी, वलसाड़, दादरा, नागर हवेली और दीव दमन में बसे हुए हैं। वारली शब्द की उत्पत्ति वारल से हुई, जिसका मतलब है जमीन का एक टुकड़ा या खेत। यह मान्यता है कि जमीन के जिस टुकड़े को इन लोगों ने सवारा था उसे ही ये लोग वारल कहते हैं और वह समुदाय वारली के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों से बचने के लिए यह समाज जंगलों में छिपने लगा। वारली जनजाति अपनी अनोखी भित्ति चित्रकला के लिए जानी जाती है। इनके चित्र प्रकृति के बहुत बहुत करीब है। वृत्त, त्रिकोण, चौकोन का उपयोग करके यह चित्रकला बनाई जाती है। वृत्त प्रतीत करता है सूर्य तथा चांद का, तो त्रिकोण प्रतीत करते हैं पर्वत श्रृंखला और पेड़, चौकोन प्रतीत करता है देव चौक, लग्न चौक मतलब एक जमीन का टुकड़ा। इस कला के महत्व के चित्र जो चित्रित होते हैं वह है शिकार करना, मछली पकड़ना, खेती करना, त्योहार और उनका पारंपरिक नृत्य तारपा। दैनंदिन जीवन में जो घटने वाली घटना है वो यह चित्र में दिखाई देती है। दो त्रिकोणों को जोड़ के यहाँ पे मानवाकृति बनाई जाती है। गोल, त्रिकोण, वृत्त का और सरल रेशाओं का उपयोग करके भित्ति पे, दीवारों पे गोबर के मदद से और सफ़ेद रंग के मदद से अलग अलग त्योहारों के चित्र प्रतीत होते हैं। यह चित्र बहुत सुंदर और अलोभनीय होते हैं। इस चित्रकला में सिर्फ सफ़ेद रंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है ये सफ़ेद रंग कैसे बनता है? तो चावल को भिगो के यह रंग बनता है। चावल को भिगो के उसके पाउडर से, उस चावल को कूट के उस पाउडर को थोड़े से गोंद में मिलाया जाता है ताकि
उसकी पकड़ बहुत अच्छे से रहे। सन 1970 तक यह कला घर की सिर्फ महिलाएं करती थी, पर 1970 के आगे एक नया परिवर्तन हुआ। जीव्या सोमा मसे के काम ने इसे उचित दर्जा दिया। पद्मश्री उपाधि से सम्मानित सोमा मसे भी अपने बचपन से ही यह कला अपने माँ के और आजू बाजू के औरतों से सीखते आ रहे थे। वह पहले ऐसे पुरुष कलाकार थे जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। अब थोड़ी सी जानकारी इनके पारंपरिक नृत्य तथा इस्तेमाल किए गए वाद्य के बारे में लेते हैं। यह है तारपा। तारपा यह वाद्य यंत्र उनके जीवन का और वारली चित्र का एक अभिन्न अंग है और वारली चित्रकला की पहचान। कोई भी त्यौहार हो, तारपा ही गीत संगीत का एक माध्यम है। दीपावली का यह त्यौहार 3 दिन तक मनाते हैं और महिला और पुरुष मिलके अपनी खुशियाँ तारपा नृत्य से दर्शाते हैं। दिन में शुरू होने वाला ये नृत्य रात भर शुरू रहता है। वारली चित्रकला में आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जीवन शैली ही देखेंगे। तारपा नृत्य जो गोलाकार में किया गया एक अविभाज्य घटक वारली लोगों में बहुत महत्वपूर्ण है। औरत और पुरुष मिलके ये नृत्य करते हैं और अपनी खुशियाँ प्रतीत करते हैं। अब हम जानेंगे वारली चित्रकला के विषयों के बारे में। वारली चित्रकला में दैनंदिन जीवन के विषय ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे लग्न मंडप, देव चौक, लग्न चौक। वारली चित्रकला में अब हम लग्न चौक के बारे में जानकारी लेंगे। चावल को भिगो के कूट कूट के सवाशीन यानी जिनकी शादी हो गई है ऐसी महिलाएं दीवारों पे भगवान को प्रतीत करने के लिए यानी किसी भी अच्छे काम के लिए हम जैसे भगवान को पहले प्रार्थना करते हैं वो दर्शाने के लिए सवाशीन यह चित्र बनाती है। बांस के लकड़ी से यह चित्र बनाया जाता है। इसे कहते हैं देवचौक, जिसमें देवी माता का चित्र बनाया जाता है। पालघट यह देवी माता का चित्र केंद्र बिंदु होता है और आजू बाजू में लग्न मंडप बनाया जाता है। अभी आजकल कलर का और ब्रश का उपयोग करते हैं। अलग अलग प्रकृति की घटनाएं इसमें दिखाते हैं। प्राणी पक्षियों का चित्र बनाते हैं, शादियों का, नृत्य करने वालों का चित्र यहाँ पे बनाते हैं। खेती में काम करने वाले लोग जैसे शिकार, इस विषय पे यह लोग अपनी व्यक्तिमत्व, अपनी कलाएं प्रदर्शन करते हैं, जैसे विचार अपने दीवार पे दिखाते हैं। यह चित्रकला अभी आधुनिक हो गई है। सिर्फ दीवार पे नहीं तो थैली, बैग, घड़ी डेकोरेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है। बारीक लाइंस का उपयोग करते चित्र बनाते हैं। चलो अभी हम शुरू करते हैं डेमोंस्ट्रेशन को। रंगीन कागज़ का उपयोग करके भी हम ये चित्र बना सकते हैं और सफ़ेद रंग का भी।
इसे इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे आज बॉल पेन, पेंसिल, रबर तथा मार्कर का उपयोग करने वाली हूँ। वैसे तो पेंट ब्रश और सफ़ेद का रंग यूज़ करते हुए भी मैं आपको एक कलाकृति दिखाने वाली हूँ। चलो फिर धीरे धीरे छोटी छोटी आकृतियों से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, अभी हम लोग बहुत आसान तरीके से बेसिक शेप्स लेके यहाँ पे चित्र निकालेंगे। बेसिक शेप क्या है? त्रिकोण, चौकोण, गोल, वृत्त, बराबर। शुरुआत में अगर आपको कॉन्फिडेंस कम हो तो आप पेंसिल की सहायता से चित्र निकालिए। यहाँ पे देखो, ऊपर नीचे मैंने दो त्रिकोण निकाले हैं, उसको जोड़ा है, उनका धड़ बनाया है। गोल, त्रिकोण तथा चौकोण का अलग अलग लाइंस का उपयोग करते हुए आज हम लोग यहाँ पे चित्र निकालेंगे। अभी आप ध्यान से देखो, मैंने शुरुआत की एक छोटे से गोल से, फिर गर्दन, फिर कंधे, ये बना एक त्रिकोण। अभी आप बराबर से देखोगे तो मैं दो तरीके से बॉडी निकालने वाली हूँ इनकी। जेड ड्रॉ करके भी हम लोग इनकी बॉडी निकाल सकते हैं। ये एक बेसिक शेप हो गया। अब दूसरा शेप, अगर हमें औरत का चित्र निकालना है तो उसके सर के पीछे एक बन मतलब एक जुड़ा दिखाना ज़रूरी है, तो ये प्रतीत करेगा कि ये कौन है, एक औरत है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छे से होगा तो आपको ये लोगों की मूवमेंट्स पता चलेगी, इनकी हाल चाल पता चलेगी। अगर हम लोग इनके एक्शन समझ सकते हैं तो ये चित्रकला ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ हमें यहाँ पे एंगल्स देखने हैं और आकारों के माध्यम से, आकारों के उपयोग से यह चित्रकला हम लोग पूरी करेंगे। देखो कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे खेत में लकड़ी लेके जाने वाली औरत मैंने बना ली। आप भी बना पाओगे, सिर्फ ध्यान से देखो। यह आगे का एक स्केच, देखते हैं ये क्या कर रहा है। देखिए तरीका, यह एक अलग तरीके से मैंने शुरुआत की है, तो त्रिकोण पर ड्रॉ करने की एक पद्धति अलग। अब ये क्या कर रहा है, ये एक पुरुष है क्योंकि उसके सिर के पीछे बन नहीं है, जुड़ा नहीं है, है ना? ओ, लकड़ी तोड़ने वाला, बराबर। क्योंकि इनके दिनचर्या यही है, झाड़ तोड़ो या लकड़ी इकट्ठा करो, यही इनका काम है। खेती करो, फिशिंग करो, बराबर। अभी देखो, मैंने तो ये आउट स्केच बनाया, अब हम इसके अंदर पूरा ब्लैक कलर से फील करेंगे। असल में तो ये चित्रकला वाइट कलर से बनाते हैं, परंतु अब मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का मार्कर का उपयोग कर रही हूँ ताकि हमें
यह चित्र निकालने के लिए ड्रॉ करने के लिए दिक्कत ना हो, बराबर। इसी तरीके से ये सब मैं पूरा करूंगी। अभी अगला पन्ना लेते हैं, कुछ अगले स्केचेस। देखो इसमें मैंने पहले से पेंसिल से कुछ स्केचेस, कुछ एक्शंस ड्रॉ की है। ध्यानपूर्वक देखो, शुरुआत हमें करनी है गोल से, फिर एक स्लिपिंग लाइन, सैड, नाउ टू ट्राइंगल्स एंड वन सर्कल। सी द सिटिंग पोजिशन, ये बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? ओ ये टोकरियां बना रहा है, राइट। एक पैर मुड़ा हुआ, अरे ये टोकरियां बना रही है, इसका मतलब ये लेडी है, है ना। ब्रश के माध्यम से भी आप ये चित्र बना सकते हो, पर उतनी लाइंस क्लियर आनी चाहिए। आपको मैं ब्रश के माध्यम से भी एक चित्र दिखाने वाली हूँ। ये बेसिक्स एक्शंस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इनको जोड़ के हम लोग एक पूरा बड़ा ड्राइंग बना सकते हैं। ये टोकरी बना रही है और ये टोकरी ले रही है, हाथ में लकड़ी लेके आई है। अच्छा ये भी बना के, अच्छा ये भी बैठा हुआ है और टोकरी बना रहा है, सही। बहुत आसान है ना, कितना आसान तरीका है और कितना सरल है, पर कितना इजीली, कितने इजीली ये अपनी दिनचर्या दिखा रहे हैं कि हाउ दे आर बिहेविंग, उनकी रूटीन क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है। जैसे हम लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर ट्यूशन और लैपटॉप खोल के ट्यूशंस करते हैं, जैसी अपनी दिनचर्या है वैसी इनकी भी दिनचर्या है, इनका रूटीन है। ये रूटीन ये लोग इन चित्र में दिखाते हैं। यह चित्र आजकल बहुत प्रचलित है, देखते हैं अब ये क्या कर रहे हैं। ये दो ट्रायंगल मिला के टोकरी में ये कुछ लेके जा रही है या जा रहा है, कैसे समझेगा? जा रहा है। आगे का चित्र, आगे का फॉर्म्स देखते हैं क्या बनता है। ओके ओके आसान है ना, बहुत सिंपल लाइंस की मदद से हम लोग कितना सुंदर चित्र बना सकते हैं। ओ पानी भर रही है, जो भी है, आप बच्चे अभी अच्छी तरह से समझ गए हो कि अगर बंद रहेगा पीछे, जुड़ा रहेगा पीछे, तो वो औरत है। यस शी इज अ लेडी। आगे का चित्र, आगे का स्केच हम लोग बनाएंगे, वो एक खाना बनाने वाली लेडी है। चूल्हे पे अपने जैसे तो गैस उनके पास है नहीं, तो ये लोग मिट्टी के बर्तन में चूल्हे पे ही अपना खाना बनाते हैं। देखो ये जो मैंने सीटिंग पोजीशन की है ये थोड़ी अलग है ना। ऊपर जो टोकरी बनाने वाली लेडी थी उनकी सीटिंग पोजीशन अलग थी, इनकी सीटिंग पोजीशन अलग है। तो कितना सिंपल है, पर पोजीशन अलग, पोजेस डिफरेंट हैं। तो एक लाइन क्या कमाल करती है, ये बहुत सरलता से
वारली चित्रकला में दिखाया जाता है। कुछ भी नहीं, सिर्फ लाइन, त्रिकोण, चौकोण का उपयोग करते हुए सुंदर चित्र बन जाते हैं। आजकल न्यू जनरेशन में अभी न्यू फैशन, जैसे ये ओल्ड फैशन हो गई कि तभी वाइट कलर का ही उपयोग करते थे, फैशन नहीं बोल सकते हम लोग, पुराने ज़माने में ये लोग, और असल में रियलिटी में ये कला वाइट कलर से ही होती थी। यानी ये जो चित्र बनाते थे वो वाइट या सफ़ेद रंग का ही उपयोग करते थे, जो मैंने आपको पहले बताया कि चावल को भिगो के उसकी पाउडर को छान के पानी के मदद से और गोंद के मदद से वो पेस्ट को कपड़े के ऊपर या दीवार के ऊपर लगाया जाता था। आपको पता है ये दीवारें भी गोबर से या मिट्टी से लीपी जाती थी, यानी ब्राउन कलर के उस दीवार के ऊपर सफ़ेद कलर कितना सुंदर दिखता होगा ना, और एकदम नेचुरल, क्योंकि ब्रश का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते थे ये लोग। बांस की लकड़ी को कूट कूट के, यानी आगे का जहाँ पे अभी अपने ब्रश होते हैं ना, ब्रिसल्स होते हैं ना, बाल होते हैं ब्रश के, वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, एक छोटी सी बांस की छोटी सी लकड़ी लेते थे और उसको दांतों से या चाकू से छीन छीन के पतला बनाते आगे का पार्ट, और उसको भिगो के उसको कूटते थे, और कूटने के वजह से क्या होता था कि वो सॉफ्ट हो जाता था और वो पतली लाइन की मदद से और चावल के आटे से पतले घोल से दीवारों पे रंग बनाते थे और ड्राइंग बनाते थे। इन्होंने शुरुआत जो की वो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत जो की चित्रकला बनाने के लिए, वो मोटिव्स बनाने के लिए, वो थी देव चौक। चौक यानी चौकन, देव चौक यानी जिसमें देवी माता विराजती है। और वो क्यों करते थे आपको पता है, ये ड्राइंग बनाने का भी रीज़न है। ये ड्राइंग वो लोग क्यों करते थे, अपनी खुशियाँ दर्शाने के लिए, या फिर हम लोग जैसे अभी देखो दिवाली आ गई थी तो लैंटर्न कंदील लगाए थे, है ना, तो ये जंगल में रहने वाले लोग अपनी खुशियाँ, अपने त्यौहार, गृह प्रवेश या किसी का जन्म हो, यानी खुशियाँ कुछ भी हो, वो कैसे दिखाएंगे, कैसे मनाएंगे, तो वो दिखाने का तरीका उनका ये था। और ये पूरा उनका जो रूटीन था वो रूटीन वो दीवार पे दिखाते थे। थोड़ी जानकारी लेंगे लग्न चौक और देव चौक के बारे में। देखो मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप ये नीचे का ड्राइंग भी देखिए, जो अभी एक प्रकार का मैंने झाड़ दिखाया, ये अलग प्रकार का, ऐसे सिंपल सिंपल तरीके से इसमें चित्रकला होती है। लग्न चौक जानकारी लेते हैं थोड़े सा, लग्न चौक के बारे में और देव चौक के बारे में। देवी माता यानी उनकी जो देवी है, पालन, देवी माँ जो थी उनकी पालघट, पालघट देवी माँ को स्थापित वो लोग केंद्र में करते थे, उनका चित्र वो केंद्र में बनाते थे। उसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यही था कि हे देवी माँ, हमारे घर में ये शादी होने वाली है या कुछ अच्छा काम होने वाला है, तो माता आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, और इसलिए सवाशीर्ण यानी शादीशुदा औरत ते ही पहले ये
पेंटिंग्स दीवार पे बनाती थी ताकि माता रानी इनके तरफ देखे और इनको आशीर्वाद दे। उसके बाद उसके बाजू में जो चौकोन रहता था वो बनाते थे शादी यानी दूल्हा दुल्हन इनका ड्राइंग्स वो उसमें बनाते थे। अच्छे से घोड़े पे दूल्हा आ रहा है, दुल्हन बैठी हुई है, डांस करने वाले लोग, नृत्य करने वाले लोग नृत्य कर रहे हैं, ढोल बजाने वाले लोग ढोल बजाते थे और अपना आनंद व्यतीत करते थे। जैसे मैंने आपको जो बोला अभी कि तारपा ये एक वाद्य उनके कला शैली का एक अविभाज्य भाग था। आप देखेंगे तो हर त्यौहार या हर चित्र में जिसमें आप खुशियां दिखा रहे हो, आनंद दिखा रहे हो, उसमें तारपा यह वाद्य आपको दिखेगा ही दिखेगा। तारपा वाद्य के स्वर से वो लोग शायद से प्रेरित होते रहेंगे, आनंदित होते रहेंगे। अभी आप आजकल हम लोग कैसे डीजे लगाते हैं तो आनंदित होते हैं और खुशियों से नाचते हैं, वैसे ये लोग भी अपना आनंद व्यतीत करने के लिए इनका पुराना स्टाइल का डीजे है ना। समझ में आ रहा है? ये देखो ये नाच रहा है ना, कितना सिंपल है। अभी यहाँ पे मैंने देखो जो त्रिकोण जोड़े हैं वो थोड़े डायरेक्शन इसका देखो है तो त्रिकोण पर वो झुका हुआ है, इसलिए ऊपर का त्रिकोण देखो कैसे बनाया है मैंने, उसका एंगल देखो और नीचे का त्रिकोण का एंगल देखो और उसी तरीके से हाथ। आपको तो नाचना अच्छे से मालूम है पोजीशंस। ये बंदा नाच रहा है, ये अपनी डांस की और वाद्य वालों की पोजीशंस और स्केचिंग तैयार हो गए। अच्छा बच्चों अभी आप एक डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे वाटर कलर का ब्रश। मैं तो यहाँ पे बांस की लकड़ी नहीं यूज़ करने वाली ना चावल का आटा। मैंने एक यहाँ पे देखो एक पहले ना एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया है, दो सर्कल ड्रॉ किए हैं ऊपर और नीचे और इस सर्कल के अंदर देखो मैं ट्रायंगल्स निकाल रही हूँ। अभी ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ तारपा नृत्य। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए ये तारपा डांस कर रहे हैं। अभी हम लोग चाहे तो इसमें भी एक लेडी एक पुरुष, एक लेडी एक मेल, जेंट्स मेल फीमेल ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं या फिर एक साइड में मेल एक साइड में फीमेल्स ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये तो अपने ऊपर है। अभी आपको तो मैंने बता दिया कि ये लोग लेडीज़ दिखाने के लिए लेडीज़ का चित्र है वो समझने के लिए क्या करते हैं और जेंट्स का चित्र है वो समझने के लिए क्या करते हैं। देखो ऊपर की सर्कल पे और नीचे की सर्कल पे मैं एक स्लिपिंग लाइन बनाते हुए त्रिकोणों को जोड़ रही हूँ तो वो दो सर्कल्स बनाने के वजह से क्या हो रहा है, मेरा एक सर्कल भी बराबर से आएगा और काम भी आसानी से होगा और ऊपर एक जस्ट मैं एक छोटा सा पॉइंट देती जा रही हूँ ताकि वो इंडिकेट्स करे उनके हेड। आई होप सो आप समझ रहे हो और आप करोगे है ना। कितना सुंदर दिख रहा है एक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर
फटाफट ये कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया अपना सर्कल तैयार, पूरा नहीं हुआ है क्योंकि गर्दन को जॉइन करना है लाइन की मदद से। ये मैंने कर ली लाइन की मदद से गर्दन को जॉइन। अगर आप ब्रश से ड्रॉ करोगे तो एकदम ज़ीरो नंबर के ब्रश से ड्रॉ करो तो ये नाजुक और सुंदर आएगा, क्योंकि ये मोटिव्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। एक सिंगल एक ड्रॉ कर दिया और काम ख़त्म किया, ऐसे नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं इसमें। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे इनके हाथ, देखो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, है ना। हम लोग ने अभी जो वीडियो देखी उस वीडियो में हम लोग ने देखा कि एक दूसरे को पकड़ते हुए वो लोग गोल 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 तारपा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखो अभी मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से उनके बेसिक बेसिक जो क्या बोलते हैं उसको, कि जो उनकी रूटीन्स हैं, उनके थोड़े थोड़े सिंपल सिंपल स्केचेस दिखाने की कोशिश की है। आई होप सो आपको समझा होगा। फटाफट पैर कंप्लीट कर लेते हैं। आप इससे छोटे छोटे ग्रीटिंग्स बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी छोटी छोटी, इसके ऊपर आप सिंगल सिंगल मोटिव्स बनाओगे तो वो सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है। बुक का कवर लो, ये ड्राइंग मेरा पूरा हो गया। अच्छा लगा आपको?